फ्रेंड्स, माय नेम इज कल्मना चिलवाड़ एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल मेडिकैप्स। मैं बहुत ज्यादा दिनों से सोच रही थी कि रूम टूर बनाना है, तो फाइनली शुभ दिन आ ही गया, तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने प्यारे से रूम में। टंटन, ये है मेरा प्यारा सा रूम। और ये है मेरी रूममेट का बेड। चाहे कहीं पे भी जाओ, सुकून यही आके मिलता है। और ये है हमारा कूलर, जो कि हमारे गर्मियों का सहारा है, क्योंकि हमारे हॉस्टल के अंदर एसी अलाउड है नहीं, तो हमारे पास यही ऑप्शन रह जाता है, वो पर सही है काफी। और ये है मेरा बैग, जो कि हम कॉलेज लेके जाते हैं, नहीं कॉलेज नहीं लेके जाते, हॉस्टल लेके जाते हैं, बिकॉज कॉलेज तो होता नहीं कोविड की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस होती है, पर ठीक है। और इसके नीचे मेरे फोन का चार्जर पॉइंट है। और ये हमारा मस्किटो बैट, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज अभी पता ही है डेंगू कितना ज़्यादा हो रहा है, तो जो भी अगर हॉस्टल वगैरह जा रहा है तो इस चीज़ अपने साथ में लेके जाए, बहुत यूजफुल होती है। और ये क्यूटी पाई हमारा प्यारा सा रूममेट, थर्ड रूममेट एक्चुअली। और हमारे रूम में दो ड्रीम कैचर है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक पीछे वाले वॉल पे लगा हुआ है, जो कि मेरी रूममेट लेके आई थी। और ये जो पेंटिंग बनी हुई है, ये हमने थर्ड सेमेस्टर में बनाई थी, जब हम नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, क्योंकि उसके बाद तो हमारा कॉलेज चला ही नहीं है, क्योंकि कोविड आ गया था। पर ठीक है, हमारा डेकोरेशन में इतना टाइम लगा नहीं, इतना सारा टाइम मिला नहीं डेकोरेशन करने का, पर ठीक है, हमने ये बना के गए थे हम तब जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम। और इसके ऊपर जो पैरेट बना हुआ है, वो है मेरी रूम में, क्योंकि मैं चिढ़ाती रहती हूँ, बिकॉज सेम उसके ऐसा लगता है, एकदम उसके ऐसा लगता है। वो ये देख लो, भलाई के जमाने ही ना, मैं तारीफ कर रही हूँ उसकी, फिर भी मार जा रही हूँ मुझे। यहाँ पे दो व्हाइट बोर्ड टंगे हुए हैं, जो कि एक मेरा है और एक मेरी रूममेट का है, तो जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो यहीं से लेके जाते हैं, यहीं आके टांग देते हैं, बिकॉज थोड़ा हाइजीन का इशू होता है इनके साथ में, इस वजह से। और ये हमारी बेड टेबल है, और जो पीछे ये वाली कबर्ड दिख रही है, ये मेरी रूममेट की कबर्ड है, जो कि वैसे ऑर्गेनाइज है, पर उसका कहना है कि अनऑर्गेनाइज है, इस वजह से मैं दिखा नहीं सकती बिल्कुल भी। और ये जो विंडो है, ये काफी बड़ी है, और यहाँ से बाहर का बहुत अच्छा सा व्यू दिखता है, बिकॉज बाहर लॉन लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारे फुटवेयर रखे हुए हैं। और ये वाली कबर्ड, जो कि मेरी खुद की है, कि यूजुअली इतनी ऑर्गेनाइज होती नहीं है, पर बिकॉज मेरे को वीडियो बनानी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया है आज के लिए। और ये ठीक है, इतनी स्पेशियस है नहीं है, पर ठीक है, काम चला हुआ है। तो ऊपर वाले कंपार्टमेंट में मैंने थोड़ा खाने का सामान रखा हुआ है, थोड़ी बुक्स रखी हुई है, थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं। और जो ये इसके नीचे वाला है, इसके अंदर थोड़े कॉस्मेटिक के सामान रखे हुए हैं, उसके नीचे वाले में थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं, और इसके नीचे थोड़े एसेंशियल चीज़ें रखी हुई हैं। पर और इसके साथ में हमारे जो बेड बॉक्स है, उसमें काफ़ी सारी स्पेस होती है, तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें रख सकते हैं कुछ कुछ। सेकेंड वॉल पेंटिंग हमने ये वाली और फर्स्ट वाली दोनों साथ में स्टार्ट की थी, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया, तो हमने ये आधी छोड़ी थी, ओनली इसका ट्रंक ही बना था तब। और अभी हमने दो चार दिन पहले इसे पूरा किया है, वो भी इसलिए क्योंकि मुझको रूम टूर बनाना था। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उन्होंने तो देख ली होगी, क्योंकि मैंने इसकी स्टोरी लगाई थी। और जो लोग फॉलो नहीं करते, अभी जाके फॉलो कर लीजिए जल्दी से, मैं आपको अपना लिंक आईडी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये वाली हमारी स्टडी टेबल है, यहाँ पे आईपैड रखा हुआ है, कुछ पढ़ने के सामान रखे हुए हैं, जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं कभी कभी, और लाइक साल में एक बार करते हैं वैसे तो, जब एग्जाम आ रही होती है। और यहाँ पे हमारे दोनों के लॉन्ड्री बैग रखे हुए हैं। और इस वाले टेबल पे हमने हमारी केटल रखी हुई है, थोड़ा सा खाना पकाने का सामान रखा हुआ है, जो कि हॉस्टल में ऑब्वियसली जरूरी होता है। और ये रहा हमारी कला का एक और उदाहरण एक्चुअली। और आप सोच रहे होंगे ना कि ये सारी पेंटिंग वगैरह मैंने बनाई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी रूममेट ने बनाई, मैंने इसकी हेल्प जरूर करवाई, हाँ वो बहुत टैलेंटेड है। सो आज का वीडियो बस यहीं तक था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।